बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बेटा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल है। अब तक जो कुछ भी हमने सीखा वो कॉस्ट मॉडल में सीखा, और आज हम रीवैल्यूएशन मॉडल सीखने जा रहे हैं जो कि अलाउ किया है IAS 16 ने। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप या तो कॉस्ट मॉडल पे कैरी ऑन कर सकते हैं आफ्टर इस रिकग्निशन, या आप जो उसके लिए मॉडल फॉलो करेंगे वो रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लास के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत उसको किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा, वालेकुम अस्सलाम, उसको किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। तो आज का मेनली टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर वन, इनिशियल रिकग्निशन is always on cost. चाहे आप cost model follow कर रहे हैं, आप revaluation model follow कर रहे हैं, हमेशा जो पहली बार asset capitalize होगा वो asset अपनी cost पे capitalize होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक building purchase की है 1 करोड़ रुपए की, तो आपकी जेब से कितना cash in cash equivalent खर्च हुआ 1 करोड़ रुपए, 10 million। जवाब दें तो 10 मिलियन क्या हो गए, आपकी कॉस्ट हो गए, यस और नो? 10 मिलियन क्या हो गए, आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट हो गए। ठीक है जी, फर्ज कर लेते हैं बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है ताकि डेप्शन कैलकुलेट करने में आसानी हो। 10 मिलियन को डिवाइड बाय 10 किया, आंसर क्या आया? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन क्या हो गई, बिल्डिंग पे चार्ज होने वाली पहले साल की डेप्रिसिएशन। जैसे ही बिल्डिंग की कॉस्ट 10 मिलियन में से हमने लेस किया 1 मिलियन के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो WDV आ गई 9 मिलियन। ये 9 मिलियन बिल्डिंग का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है और ये बिल्डिंग का हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी है। क्यों? क्योंकि अब तक एसेट कॉस्ट पर ही है और कॉस्ट पे ही डेप्रिशिएट हुआ है, और अब तक ना ये इम्पेयर हुआ है ना ये रीवैल्यू हुआ है। तो जो एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है वो किसके बराबर है? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। जवाब देंगे, यहां तक बात समझ में आती है? अब कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हुए हम इसको 9 मिलियन से नीचे तो ला सकते हैं, यानी हम इसको इंपेयर कर सकते हैं, और अगर ये इंपेयर हुआ है तो हम वापस 9 मिलियन तक ला सकते हैं। कॉस्ट मॉडल में हम इसको 9 मिलियन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अबव लेके नहीं जा सकते। ये पिछले कॉन्सेप्ट जिसको समझे हुए होंगे वो ये बात पिक करेगा, और जिसने कोई प्रैक्टिस नहीं की वो नुकसान में रहेगा बेटा। पिछले कॉन्सेप्ट की बेस पर ही ये कॉन्सेप्ट बनेगा आज का। तो लापरवाही अगर आप करके आ रहे हैं तो जाए रिकॉर्डिंग सुने पहले आप, और फिर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें। मैंने क्या बोला, अंडर द कॉस्ट मॉडल अगर ये बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है तो ये 9 मिलियन से नीचे जा सकती है अगर ये इम्पेयर्ड है, और अगर ये पहले ही इम्पेयर हो चुकी है तो ये इसकी रिकवरी 9 मिलियन तक वापस आ सकती है, उससे अबव नहीं जा सकती अगर ये कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है। लेकिन फर्ज कर लें ये बिल्डिंग क्या फॉलो कर रही है, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो अगर ये बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है और आज इसकी WDV 9 मिलियन है और उसकी मार्केट वैल्यू 12 मिलियन, इसकी मार्केट वैल्यू 12 मिलियन है, जवाब दे बेटा। तो अब हम अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको अब 9 मिलियन से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से, जो कि उसका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है,
उससे जम करवाकर 9 मिलियन से हम उसको कहां ले जा सकते हैं, 12 मिलियन पे ले जा सकते हैं। तो अब हम अगर 9 मिलियन को 12 मिलियन रिपोर्ट करते हैं तो हम एसेट की वैल्यू को कितने से बढ़ा रहे हैं, एसेट की वैल्यू को हम कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 3 मिलियन। ये 3 मिलियन क्या कहलाई, रीवैल्यूएशन। ये 3 मिलियन क्या कहलाई बेटा, रीवैल्यूएशन। और ये रिवर्जन कहां परफॉर्म हुई है, अपवर्ड, अपवर्ड। और ऐसा अब ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हम एसेट के लिए क्या फॉलो कर रहे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम इस 9 मिलियन को 12 मिलियन पे लेके नहीं जा सकते, हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 9 मिलियन रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर, अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हुए हम इस 9 मिलियन को 12 मिलियन पे ले जा सकते हैं, जो कि उसकी अपडेटेड फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, यहां तक बात समझ में आती है। नंबर टू, When carrying amount is materially different from fair market value, we need to revalue the asset and update its carrying amount to fair market value. अब रीवैल्यूएशन कब परफॉर्म करनी है, जब जब एसेट का कैरिंग अमाउंट अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से मटेरियली डिफरेंट हो जाए, यानी वाजे तौर पर फर्क दिखाई देना शुरू हो जाए फेयर मार्केट वैल्यू में और कैरिंग अमाउंट में, तो आप एसेट को रीवैल्यू कर दें, उसको अपडेट कर दें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो इस अमल का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। जब भी आप अपने एसेट के कैरिंग अमाउंट को ले आएंगे उसके अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो आप उसके लिए कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, अच्छा जी, रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड Reversions followed for the whole class of asset. ये जो reversion perform होगी ये पूरी class के लिए perform होगी। क्या मतलब, classes of property, plant, equipment, land, building, plant and machinery, fixtures, furniture, vehicles, एयरक्राफ्ट, शेड, बेयरिंग प्लांट, ये सारे नाम आपने पढ़े हैं, सारे ये सारे क्या थे, ये सारे क्या थे, जवाब दीजिए, ये सारे क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट थे ना। तो अब सुनिएगा, एक क्लास किसी एक मॉडल पर होगी, एक क्लास किसी एक मॉडल पर होगी, यानी बिल्डिंग अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पर है तो पूरी क्लास, तमाम बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पर होंगी। ये नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पर हो और दूसरी बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पर हो। इसकी आसान एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लास है फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, तो चेयर भी फर्नीचर है और टेबल भी फर्नीचर है। ये नहीं हो सकता कि चेयर कॉस्ट मॉडल पर हो और टेबल रिवैल्यूएशन मॉडल पर हो। या तो पूरी क्लास कॉस्ट मॉडल पर होगी या पूरी क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पर होगी। तो अगर बिल्डिंग्स है तो तमाम बिल्डिंग्स किस पर होंगी, रिवैल्यूएशन मॉडल पर। ठीक है, मशीन है तो फिर तमाम मशीन किस पर होंगी, कॉस्ट मॉडल पर। तो एक क्लास के मुकाबले में दूसरी क्लास मुख्तलिफ मॉडल पे हो सकती है,
अगर आपके बिजनेस में बिल्डिंग रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर रही है तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। क्लास टू क्लास आप अलग अलग पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन विद इन द सेम क्लास तमाम एसेट्स जो है वो सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे होंगे। तमाम एसेट जो एक क्लास में फॉल करते हैं उनके लिए पॉलिसी एक होगी, उनके साथ रवैया एक जैसा होगा। कुछ समझे बात या नहीं? यहां तक के तीन पॉइंट समझ में आया आप लोगों को बेटा जो मैंने बताया? जवाब दीजिए। यहां तक के तीन पॉइंट समझ में आते हैं आप लोगों को? ओके, नाउ हाउ टू परफॉर्म रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो बातें क्या? ठीक है जी, क्या रिपीट करूं बेटा? वजाहत, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर टू क्या है? रीवैल्यूएशन कब परफॉर्म करनी है? जिस डेट पर भी आपको कैरिंग अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू में वाजे फर्क दिखाई दे कि कैरिंग अमाउंट कम है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ये कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, डिफरेंस फर्क फर्क जो वाजे फर्क हो, तो आप क्या करें, एसेट को रीवैल्यू कर दें। जब जब कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस जो होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ क्या होगा, मटेरियल होगा, मटेरियल मतलब वाजे तौर पे दिखाई देगा, तो हम एसेट को रीवैल्यू करके उसको अपडेट कर देंगे उसके फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, और उसको प्रैक्टिकली हम करके देख रहे हैं अभी। उसके बाद नंबर थ्री पॉइंट क्या था? रीवैल्यूएशन जो है वो होल क्लास ऑफ एसेट पे अप्लाई होगी। मतलब एक क्लास है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो फर्नीचर फिक्सचर में चेयर, टेबल, विंडो, डोर सब कुछ आता है बेटा। ये नहीं हो सकता कि एक क्लास में होते हुए एक चीज कॉस्ट मॉडल पर और एक चीज रिवॉल्यूशन मॉडल पर। अगर चेयर कॉस्ट मॉडल पर है तो टेबल भी कॉस्ट मॉडल पर होगी, मतलब होल क्लास कॉस्ट मॉडल पर होगी। विद इन द क्लास जो एसेट्स होंगे वो एक वक्त में एक ही मॉडल फॉलो कर रहे होंगे। एक क्लास में होते हुए एसेट डिफरेंट मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, ये बुनियादी बात है। लेकिन एक क्लास के मुकाबले में दूसरी क्लास डिफरेंट मॉडल फॉलो कर सकती है। अगर बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पर है और आपका प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो एक वक्त में डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सेम क्लास में रहते हुए जितने भी एसेट्स होंगे वो एक वक्त में एक ही मॉडल फॉलो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? जवाब दीजिए। ठीक है जी, ओके। अब नाउ हाउ टू परफॉर्म रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन कैसे परफॉर्म करना है? हाउ टू परफॉर्म ठीक है जी। अपवर्ड, डाउनवर्ड। सर रीवैल्यूएशन दो किस्म की है, एक अपवर्ड रीवैल्यूएशन और एक डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन दो किस्म की है, एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन और एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड कैरिंग अमाउंट को मौजूदा लेवल से ऊपर ले जाना। जब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू मौजूदा कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। और जब आप डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे होंगे तो मतलब क्या होगा जनाब, कैरिंग अमाउंट जो है कैरिंग अमाउंट जो है वो कैरिंग अमाउंट जो है वो
वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, तभी तो आप उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी दो किस्म की है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी दो किस्म की है। अबव एच सी ए, नंबर टू, टू द एक्सटेंट ऑफ एच सी, डाउनवर्ड रिविजन भी दो किस्म की है, बिलो एच सी ए एंड नंबर टू, टू द एक्सटेंट ऑफ एच सी। अब ये बता दीजिएगा आप लोग कि आपको टर्म एच सी ए तो क्लियर है ना, अगर आपको टर्म एच सी ए क्लियर नहीं है तो आपको पिछले लेक्चर को रेफर करना चाहिए। एच सी ए वाली टर्म तो क्लियर है ना सबको बेटा, जवाब दे, आपके जवाब का मुंतजर हूं। हाँ बेटा रब नवाज, कोई सवाल है तो मैं माइक ऑन करूं। डॉक्टर वास, सवाल है? ओके, तो क्या टर्म एस सी क्लियर है सबको? क्लियर है, तो अगर एस सी क्लियर है तो बात आगे बढ़ेगी, अगर एस सी टर्म क्लियर नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी रिकॉल कर लें एस सी क्या है, बड़ा सिंपल सा दोहरा लें अपने दिमाग में, अगर कोई इंपेयरमेंट चार्ज ना होती और कोई रिवर्सल परफॉर्म ना होती, ना ही कोई रिवॉल्यूशन होती ना ही कोई इंपेयरमेंट होती, तो जो मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट होना चाहिए था, जो मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट होना चाहिए था, उसी को क्या बोलूंगा मैं, एचसीए बोलूंगा। ठीक है बेटा, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट और नो रिवॉल्यूशन, व्हाट वुड हैव बीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। अगर किसी भी किस्म की कोई रिवर्सल परफॉर्म ना होती और किसी भी किस्म की कोई इंपेयरमेंट चार्ज ना होती तो एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता, जो होता उसी को मैं बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, और पिछले तमाम लेक्चर में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया, ऐसा ही है। चले तो अब पहले केस को डील करते हैं, देखिए एच सी ए सी फर्ज कर लें, फर्ज कर लें आज आपकी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख रुपए, फर्ज कर लें जो आपकी बुक्स में आज कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख रुपए एसेट का, और आज से पहले ना कभी आपने एसेट को इंपेयर किया है ना ही आज से पहले कभी आपने इसको रीवैल्यू किया है, तो एक्चुअल जो कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में है वही हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के बराबर हुआ, यस और नो, पार्टिसिपेट कर लें बराए मेहरबानी, यस और नो, जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है वही हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के बराबर हुआ, आप सबसे जवाब तलब कर रहा हूं। यस, ओके, गुड, जबरदस्त।
फर्ज कर लें ये एसेट क्या फॉलो कर रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा याद रखिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट द रिकवरेबल अमाउंट। यहां पे सिर्फ क्या यूज होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, वो वैल्यू इन यूज का तस्करा नहीं है यहां पर। रीवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को अपडेट कर देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, जहन में रखिएगा इस बात को, फेयर मार्केट वैल्यू। मान लीजिए कि एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 1,50,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए कैरिंग अमाउंट रखने वाले एसेट को 1.5 लाख पे लेके जाना है, जो कि उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू है। तो बताइए एसेट की वैल्यू में कितने से इजाफा करना पड़ेगा, बताइए 50,000। 50,000 से इजाफा करने के लिए एसेट को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो चाहिए। तो एसेट तो डेबिट कर दिया 50,000 से, कर दिया डेबिट 50,000 से, क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं, क्या क्रेडिट करूं? क्या ये 50,000 रुपए जो मैंने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, ये 50,000 रुपए मैंने कमा लिए हैं, अर्न कर लिए हैं? क्या मैंने ये अर्न कर लिए हैं, क्या ये मेरी इनकम बन गए? इनकम तो नहीं बने, इनकम तो जब ही बनेंगे जब ये एसेट में बेचूंगा ना, इनकम तो जब ही कहलाएंगे जब मैं इस एसेट को बेचूंगा। अगर मैं आज की डेट पर ये एसेट डिस्पोज ऑफ करूं जिसके WDV 1,00,000 रुपए है और फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए, तो मुझे गेन कितना होगा, मुझे गेन ऑन डिस्पोजल कितना होगा? मुझे गेन ऑन डिस्पोजल कितना होगा, 50,000। लेकिन ये गेन ऑन डिस्पोजल तो एसेट को बेच कर होगा ना, या बेचे बगैर होगा? ये गेन ऑन डिस्पोजल एसेट को बेच कर होगा या बेचे बगैर होगा? क्या अभी एसेट बिका है? बिका तो नहीं है अभी एसेट, अभी बिक गया एसेट, अभी तो रीवैल्यू हो रहा है। तो एसेट तो 50 से डेबिट कर दिया, क्या मैं गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट कर दूं? क्या मैं इनकम क्रेडिट कर दूं? नहीं, इनकम तो जब क्रेडिट करूंगा जब मैं उसको बेच दूंगा, अभी तो बेचा ही नहीं। तो फिर ये क्या है, अब क्या क्रेडिट करूं? सर खुशी क्रेडिट करते हैं, खुशी, खुशी मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं मार्केट में, सुनिएगा, अब अगर एक प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं मार्केट में, जरा बताइए उसकी वैल्यू बढ़ती, दिल 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 में खुशी महसूस होती कि नहीं होती? दिल ही दिल में तो खुशी हो रही है इंसान को, जो दिल ही दिल में उसको खुशी हो रही है, वो दिल ही दिल में होने वाली खुशी का नाम जो है वो अकाउंटिंग में क्या रखा गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दिया आपने 50,000, हाँ, दिल की खुशी क्रेडिट, जबरदस्त, दिल की खुशी क्रेडिट कर, एसेट डेबिट और दिल की खुशी क्रेडिट। तो दिल को तो गम भी लग सकता है फिर, ऐसे ही है। तो यहां तो गम भी लग सकता है दिल को, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी। अच्छा भाई,
अब सवाल क्या है कि एसेट तो डेबिट हो गया, लाख में 50 जुड़ गया, लाख में 50 जुड़ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की वैल्यू अपीयर हो रही है 1.5 लाख रुपए से, तो 50 तो एसेट में जाके ऐड हो गया, ऐसा ही है। लेकिन जो मैंने सरप्लस क्रेडिट किया है इसको मैं कहां दिखाऊं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर इसको मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो मैंने इसको इनकम मान लिया, इनकम तो मानना नहीं है, ये तो पक्की खुशी नहीं है, ये तो कच्ची खुशी है। ये तो एसेट की मंगनी हुई है, शादी थोड़ी हुई है। पक्की वाली खुशी नहीं है ना, ये कच्ची वाली खुशी, ये घर बैठे बैठे खुशी मिल गई। क्या ख्याल है? तो क्या मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम दिखाऊं? रब नवाज इनकम अनर्न कब होती है? जब मुझे पैसे एडवांस में मिल जाए। तो क्या मुझे इस एसेट के बदले कोई कैश मिल गया है जो मैं इसको अनर्न इनकम बोलूं? अगर मैं इसको अनर्न इनकम बोलूंगा तो इसको मुझे लायबिलिटी मानना पड़ेगा। तो मैंने तो इस एसेट के बदले कोई कैश वसूल ही नहीं किया जिसको मैं अपने ऊपर लायबिलिटी मानूं, जो मुझे कल वापस लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, जिसकी मुझे कल सेटलमेंट करनी हो। तो इसकी तो कोई सेटलमेंट नहीं होनी फ्यूचर के अंदर जाके, तो ये अनर्न इनकम तो नहीं है। फुजैल कह रहे रिटेन अर्निंग में जाएगा। फुजैल आप नहीं बेटा, रिटेन अर्निंग में अभी नहीं जाएगा। अब जरा समझिएगा बात को, इसको हम एक और नाम देते हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू बात है, और इसको हम बोलेंगे OCI। क्या बोलेंगे? OCI, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। क्या बोलेंगे बेटा? OCI स्टैंड्स फॉर OCI stands for other comprehensive income। ये डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, अब मैं कनेक्ट हूं, जरा बताइएगा बेटा आवाज आ रही है आप लोग? OCI stands for other comprehensive income। OCI stands for other comprehensive income। ओके बेटा, OCI स्टैंड फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। OCI स्टैंड फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, समझे इस बात को? OCI का मतलब क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये आपके लिए एक नई बात है कि भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, इसको समझिएगा जरा बात। ये जो लफ्ज हमने पढ़ा माजी में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जिसको हमने नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सुना आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? याद है आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आकर बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को सही मायनों में समझेंगे वो क्या है। असल में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो स्टेटमेंट्स का नाम है, दो स्टेटमेंट्स मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाती है। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक ही स्टेटमेंट का हिस्सा देखा, उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू स्टेटमेंट्स। नंबर वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो सेल्स से लेकर
नेट प्रॉफिट तक जो हिस्सा है वो कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सेल्स से लेकर नेट प्रॉफिट तक जो हिस्सा है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहलाएगा। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बनने के उसमें ऐड होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। माइंड इट, अदर इनकम इज डिफरेंट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज डिफरेंट। अदर इनकम हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम है, गेन ऑन डिस्पोजल हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम है, इंटरेस्ट इनकम कमीशन इनकम ये हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम है। तो अदर इनकम तो प्रॉफिट लॉस भी जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट में एक और चीज ऐड होगी जिसको हम बोलेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और उस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आप जो पहली एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल किस नाम से पढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय नेचर इक्विटी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय नेचर इक्विटी है। ये एक प्रोस्पेक्टिव गेन है जो एसेट के बेचने पर हमें हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हम एक तरफ एसेट डेबिट करते हैं और उससे प्रोस्पेक्टिव जो गेन होता है वो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन उस गेन को हम इनकम नहीं मानते क्योंकि वो गेन अब तक हमें रियलाइज हुआ नहीं। और उस गेन को हम लायबिलिटी भी नहीं मानते इसलिए कि हमने उसके अगेंस्ट कोई एडवांस या उसके बदले हमने कोई प्रोसीड रिसीव नहीं किए। लायबिलिटी जब बनती है जब आपको क्या करना हो, कोई चीज सेटल करनी। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर सब लोगों को? तो ये रिवर्शन सरप्लस बाय नेचर इक्विटी है, पॉइंट नंबर वन। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रिवर्शन सरप्लस के नाम से शो करेंगे, लेकिन इसको लेके जाएंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसको कौन से कंपोनेंट के तौर पर दिखाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सारी बातें आपने याद रखनी है, याद रहेंगी बातें बेटा। यहां तक का जवाब दे दे मुझे, यहां तक की गुफ्तगू समझ में आई बेटा? प्लीज तवज्जो से सब लोग, सब लोग ठीक है, ओके गुड जबरदस्त, सब लोग बताइए बेटा। दो बंदों का जवाब आया, बाकी खामोश है सारे। यस बेटा, बाकी आवाम क्या कर रही है? हाँ जी बोलिए बेटा, आवाज पहुंच रही है? ओके आवाज आ रही है बेटा सबको? कंफर्म कर दें बेटा? ओके ओके ठीक है। Now, तो ये आपका पहला हो गया। अगर आप अपवर्ड डेविएशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप एचसीए से जितना ऊपर एसेट को लेके जा रहे हैं उतने से आप क्या करेंगे, उतने से आप एसेट डेबिट करेंगे और उसको क्रेडिट किसमें करेंगे? इन शॉर्ट लिख रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीए। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट होगा, सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? अब जो इसका बिल्कुल अपोजिट केस, अपोजिट केस जो के डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में और लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए, ये बिल्कुल अपोजिट केस है इसका। यानी ये और ये एक दूसरे का अपोजिट केस। अभी कैसे अपोजिट कैसे समझेगा जरा इस बात को देखिए।
एसी है 1.5 लाख रुपए, एचसी है 1 लाख रुपए। क्या मतलब बेटा? अगर आज आप अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अबव हैं, अगर आज आप अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अबव हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आज आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आपके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अबव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि आपने माजी में एसेट को रीवैल्यू किया हुआ है और आपके पास 50,000 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, मौजूद है, ऐसा ही है। तो क्या माजी में एसेट को रीवैल्यू करने के बाद, माजी में एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करने के बाद आप उसको डाउनवर्ड रीवैल्यू नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो फर्ज करें माजी में रीवैल्यू होने के बाद आज एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एग्जैक्टली एससी के बराबर हो गई। माजी में आप उसको एससी से ऊपर लेकर गए थे, आज आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली एससी के बराबर है, यानी आप रीवैल्यूड एसेट को दोबारा वापस ला रहे हैं उसके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर। तो इसका मतलब क्या है? आप एसेट को डाउनवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए। आप एचसीए से ऊपर थे, आप एचसीए तक वापस आ रहे हैं, तो आप जब तक एचसीए तक वापस आएंगे सारा अमाउंट आप कहां से डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। यानी अगर आप 1.5 लाख वाले एसेट को वापस लाख पे लाना चाहते हैं, तो आप एसेट की डब्ल्यूडीवी को कितने से कम करेंगे? 50,000 से। और 50,000 से WDV कम करने के लिए आपको एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आप एसेट क्रेडिट करेंगे 50,000 से और आप बोलेंगे माजी में चार्ज हुई भी रिवैल्यूएशन जो है वो खत्म हो गई और आपके पास जो भी अवेलेबल सरप्लस होगा वो आप रिवर्स कर दो। टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस अबव एचसीए, रिकग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अपवर्ड का 1 केस और डाउनवर्ड का 2 केस एक दूसरे का अपोजिट केस। जवाब दीजिएगा प्लीज, क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोग? प्लीज क्विक रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं आगे बढ़ा करूं जल्दी। बेटा सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्विक जल्दी प्लीज रिस्पॉन्स प्लीज। यस, तो सबका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, बात यही है ना, हाँ पता लगे ना, ताकि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देता कि पता लग जाए कि हाँ भाई बात समझ में आ रही है। वो मसले हल कर रहे हैं तला बेटा, ज्यादा हो ज्यादा कम को भी हम देखेंगे, फिक्र ना करें इंशाल्लाह, वो भी अभी आ रहा है थोड़ी देर के अंदर। पहले एक पॉइंट समझा दूं, 4 पॉइंट समझा दिए फिर सब कुछ इसी में आ जाएगा, आप खुद फैसला करेंगे जनाब के क्या करना है। अच्छा जी, अब मैं कहाँ आया, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा हूं, डाउनवर्ड बिलो एचसी। HCA ACA आज आपकी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है और यही हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। जवाब दे, आज से पहले ना आपने एसेट को रीवैल्यू किया है ना ही इंपेयर किया है। जवाब दे, अब एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 80,000 रुपए आ रही है, जो कि उसके मौजूदा कैरिंग अमाउंट से कम है। तो जरा बताइए, अब एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करना है या डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है? जरा बताइए, अब एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करना है या डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है? लाख से 80 पे लाना है
तो लाख से 80 पे लाने के लिए एसेट को कितने से क्रेडिट करना होगा? लाख से 80 पे लाने के लिए एसेट को क्रेडिट करना होगा, कितने से क्रेडिट करना होगा? 20,000 से। तो एसेट क्रेडिट बीस हजार से। अब डेबिट क्या करो? अब डेबिट क्या करो? एक्सपेंस चार्ज कर दो, डेफिसिट नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस तरह से, एक तरह से ये भी एक तरह की इंपेयरमेंट है। आप एससीए से नीचे आना ही इंपेयरमेंट हुआ ना, भूल गए आप? यानी रीवैल्यूएशन मॉडल में कॉस्ट मॉडल मौजूद है, तो इसका इंपैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने से? बिजनेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बिलो एससीए, अगर आप एससीए से बिलो जा रहे हैं, आप इंपैक्ट लें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। अब इस केस का अपोजिट केस ये बनेगा, इसका अपोजिट केस बनेगा ये, ठीक है। इसका अपोजिट केस क्या बन रहा है ये, अब जरा देखिएगा। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, ₹80,000। एससीए ₹1,00,000। जरा बताइए, अगर आज आप बुक्स में ₹80,000 के ऊपर हैं और आपका एससीए ₹1,00,000 होता, अगर आप ₹80,000 ना होते, तो आप अगर एससीए से बिलो हैं तो आप माजी में क्या करके आए हैं? एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करके आए, यस और नो? जवाब दीजिएगा, जवाब का मुंतजर रहूंगा ताकि मैं आगे बात कर सकूं। यस। तो अगर आज बुक्स में मैं 80,000 पर हूं और मैं मेरा एससीए जो है वो लाख होना चाहिए, तो मैं एसेट को माजी में डाउनवर्ड रिवैल्यू करके आया हूं, तो मैं बिलो, इसका तो मैं बिलो एससीए हूं, तो मैं इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस में लेकर चार्ज करके आया हूं, ठीक है जी, ओके। तो अगर मान लीजिए आज फेयर मार्केट वैल्यू, आज फेयर मार्केट वैल्यू दोबारा एससीए के बराबर हो जाती है, तो आप एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं
अपवर्ड, और आप एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए। तो अगर आप एचसीए से नीचे जाएंगे तो आप उसे चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अगर आप एचसीए तक वापस आएंगे तो आप अपनी माजी में चार्ज की भी इंपेयरमेंट को रिवर्स करेंगे। ऐसे ही जवाब, आप अपने माजी में चार्ज की हुए प्रॉफिट लॉस के इंपैक्ट को रिवर्स करेंगे। तो 80,000 से 1,00,000 पर वापस आने के लिए एसेट को कर रहा हूं तला, इसको रिपीट कर रहा हूं, 80,000 से 1,00,000 पर जवाब दीजिएगा, 80,000 से 1,00,000 पर वापस आने के लिए एसेट की WDV को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 80,000 से 1,00,000 पर वापस आने के लिए एसेट की WDV को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? पता नहीं यार नेटवर्क का मसला है, आप लोग स्लो काम कर रहे हैं। 20,000 से हो गया, 20,000 से, तो मतलब 20,000 से क्या हो गया, 20,000 से एसेट डेबिट हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्रेडिट क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, और उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या मानू, इनकम मानू। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूंगा रिवैल्यूएशन मॉडल, तो मैं चार किस्म की एंट्रीज देख सकता हूं। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, जरा सुनिएगा तला बेटा, आपकी बात रिपीट हो जाएगी इसके अंदर। बड़ा सिंपल सा मामला, अगर मैं एचसीए से ऊपर जा रहा हूं तो मैं एसेट को रिवैल्यू कर रहा हूं अपवर्ड, जो कि मेरा पॉइंट नंबर 1 है अपवर्ड का। तो जितना मैं एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करूंगा, मैं उतने अमाउंट से एसेट डेबिट करूंगा, और जो इंपैक्ट मैंने एचसीए से अबव लिया है उसको मैं क्रेडिट करूंगा रिवर्शन सरप्लस थ्रू ओसीआई। ये मेरा पहला पॉइंट था। उसके बाद डाउनवर्ड का सेकंड पॉइंट डिस्कस किया मैंने आपसे, मैंने एसेट को पहले ही रिवैल्यू किया हुआ है, यानी कि मेरा एसेट ऑलरेडी अबव एचसीए है, और अबव एचसीए क्योंकि वो माजी में रिवैल्यू हो चुका था, लेकिन अब मुझे उसको उस पॉइंट से नीचे लाना पड़ रहा है। तो जितना मैं नीचे लाऊंगा टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए, मैं एसेट क्रेडिट करके सरप्लस डेबिट कर दूंगा, यानी मैं माजी में की हुई रीवैल्यूएशन को खत्म कर दूंगा। तो बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 उस पॉइंट नंबर 1 पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। तो ये अपवर्ड का एक केस और डाउनवर्ड का एक केस कवर हुआ। और अगर मैं एचसीए पर मौजूद हूं, डाउनवर्ड का पहला केस, और मैं एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं और उसको उसके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से भी नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये भी एक तरह की इंपेयरमेंट हुई, बल्कि ये इंपेयरमेंट ही है। तो मैं उसको लॉस मानूंगा और चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट को क्रेडिट करके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करूंगा, एसेट क्रेडिट करूंगा। फुजैल बेटा उसी बात की तरफ आऊंगा आखिर में, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, बिल्कुल वही समझाना है आखिर में। ठीक है, पहले इस पे फोकस कर लें, बिलो एचसीए चार्ज टू प्रॉफिट अकाउंट, और अगर मैं अपनी बुक्स में ऑलरेडी एचसीए से नीचे हूं, जो कि मेरा अपवर्ड का सेकंड पॉइंट था, तो एचसीए से नीचे होने का मतलब यह है कि मैं माजी में एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर चुका हूं, मैं माजी में इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस पे ले चुका हूं। तो अगर मैं आज एचसीए तक वापस आता हूं तो मैं अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे जब वापस आऊंगा तो मैं माजी में चार्ज की भी इंपेयरमेंट या माजी में चार्ज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट रिवर्स कर दूंगा। तो टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए,
अगर आप एससीए से नीचे हैं और आप एससीए तक वापस ऊपर आते हैं, तो एससीए तक वापस ऊपर आने से आप जितने अमाउंट से एसेट डेबिट करेंगे उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, तो ये इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी चार आपके सामने स्टेप्स आ गए, अब इसको मिक्स करना है। जैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाए तो क्या होंगी, वही समझाना है, कोई मुश्किल बात नहीं। चले अब ये समझाने के लिए आपको एक सिनेरियो बना के देते हैं, आप एंट्री बना के दिखाइएगा, सिनेरियो नंबर वन एंड सिनेरियो नंबर टू। ठीक है, अगले पेज पे देखिएगा। अच्छा, अगला पेज क्या है? देखिएगा एसीए आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 1,50,000। ठीक है जी, HCA आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 1,00,000। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 80,000। यानी आपको 1,50,000 से कहां आना है, 80,000 पे आना है। अब आप बताइए 1,50,000 से 80,000 पे लाने के लिए आप एसेट को क्रेडिट करेंगे 70,000 से, लेकिन आपके डेबिट इफेक्ट्स क्या होंगे? डेबिट इफेक्ट जरा बताइए आप, जो कुछ हमने सीखा है उसके बुनियाद पर। इसी का केस टू, इसी का केस टू, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 80,000 रुपये। एचसीए 1,00,000 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 रुपए। रीवैल्यूएशन मॉडल में आपकी डेस्टिनेशन मंजिल जो होगी हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो अब आपको इस एसीए को जम करवाना है इस फेयर मार्केट वैल्यू पर। जब आप 80,000 से 1,50,000 पे जाएंगे तो एसेट की वैल्यू में 70,000 से इजाफा होगा, लेकिन अब आप क्रेडिट क्या करेंगे ये बताइए। तो क्या आप इन दो सिनेरियोस की एंट्री बना सकते हैं, और इन दोनों सिनेरियो का आंसर डिपेंड करता है हमारे अभी थोड़ी देर पढ़े हुए पहले पढ़े हुए कॉन्सेप्ट। जरा जवाब दीजिए, आप बना सकते हैं बेटा, जवाब दें, जवाब यस सर नो सर लिख दें कि हाँ सर हम जवाब दे रहे हैं, हम एंट्री बना रहे हैं। प्लीज चले जी बताइए। बिल्कुल इंशाल्लाह ट्राई करें। हाँ जी बताइए बेटा। क्या रिजल्ट निकला?
हो सकता है कुछ एंट्रीज मिस हो गई हो, इसलिए कि मैं फिर डिस्कनेक्ट हो गया था आपकी लिखी हुई एंट्रीज। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके दोबारा नीचे कर दें। अमाउंट फॉर एंट्रीज, चलिए देखते जरा, देखिए जरा, सब लोग बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर देखिए, सब लोग यहाँ देखिए, तब तो चाहिए होगी आप सबकी फिर से, सब लोग देखिए, ठीक है नाउ। अब जरा देखिए, मैं ये पहला वाला केस सॉल्व कर रहा हूं, और पहले केस के लिहाज से अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? अभी हम स्टैंड करते हैं एसीए पर। अभी हमारी बुक्स में एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपए, लेकिन एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 80,000 रुपए, यानी हमें एसेट की WDV को 1.5 लाख से लाना है 80,000 पर, यानी कि हमें उसकी WDV कम करनी है कितने से? 70,000 से। तो ये तो बड़ा आसान हो गया मामला कि सर एसेट क्रेडिट हो गया, सत्तर हजार से एसेट क्रेडिट हो गया 70,000 से। अब डेबिट क्या करें? क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करें 70,000 से? क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करें 70,000 से? क्या करें? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हम एसीए से नीचे आ रहे हैं, जहां हम फॉल करते हैं अबव एससीए, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एससीए रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीए। तो एसी और एससी का डिफरेंस कितना है? 50,000 रुपए का। तो 50,000 का सरप्लस पड़ा हुआ है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दिया, यानी एसीए से एससीए तक वापस आना जो है वो माजी में चार्ज, माजी में रिकॉर्ड की हुई रीवैल्यूएशन को खत्म करना। 50,000 से आपने एसेट डेबिट सरप्लस डेबिट कर दिया, लेकिन जो आप मजीद नीचे आ रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ बिलो द एससीए, बिलो द एससीए टुवर्ड्स द फेयर मार्केट वैल्यू, वो आप चार्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दें कितने से? 20,000 से। तो टू द एक्सटेंट ऑफ एससीए रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बिलो एससीए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट? अच्छा जी, ओके। अब सेकंड केस देखिए, और सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में हमारा कैरिंग अमाउंट जो है वो 80,000 है, तो हम कहां स्टैंड करते हैं बुक्स में? 80,000 पर। हमारी मंजिल क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए। तो एसेट को हमें 80,000 से 1.5 लाख पे लेके जाना है। तो एसेट की वैल्यू तो बढ़ाई हमने कितने से? 70,000 से। एसेट डेबिट कर दिया 70,000 से। अब क्या करें? क्या 70,000 से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दें? नो सर, पहले आप जो सफर तय कर रहे हैं एसीए से एचसीए तक का, तो आप माजी में चार्ज किया हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का इंपैक्ट रिवर्स कर रहे हैं, तो उतना इंपैक्ट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिवर्स करें, उसको इनकम माने, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करें। 80 और लाख का डिफरेंस कितना है? 20,000 से। और अब आप जितना अबव एचसीए जा रहे हैं उसको माने आप रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीए, और आप उसके लिए रीवन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्या कर दें? क्रेडिट कर दें 50,000। हाँ जी, क्लियर है बात? बात क्लियर? सबको पूछ रहा हूं बेटा, सबका रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो बात बन जाएगी।
तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला हो गया। अगर आप एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं और आप ऑलरेडी अबव एचसीए हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए रिवर्सल ऑफ रिवर्स सरप्लस, और अगर आप मजीद एचसीए से नीचे आ रहे हैं तो चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और अगर आप एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं और आप एचसीए से बिलो फॉल करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड अबव एचसीए जो है वो सरप्लस। यानी आसान लफ्जों में एसेट का बॉर्डर जो है वो एचसीए, इसका बॉर्डर जो है वो एचसीए, HCA के बॉर्डर को मैं अगर अपवर्ड क्रॉस करूंगा तो मैं सरप्लस क्रिएट करूंगा, और मैं अगर ऊपर से नीचे आऊंगा वापस HCA तक तो मैं सरप्लस खत्म करूंगा। अगर मैं HCA से नीचे जा रहा हूं तो मैं इंपैक्ट लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और अगर मैं HCA तक वापस आ रहा हूं तो मैं इंपैक्ट लूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर। ठीक है, तो इसको मैं कंक्लूड कर दूं आपके सामने ऐसे, जरा देखिएगा। ये मान लें एचसीए, या तो आप एचसीए से नीचे जा रहे हैं या आप एचसीए से ऊपर जा रहे हैं। आप जितना एचसीए से ऊपर जा रहे हैं आप सरप्लस क्रिएट करें, आप जितना एचसीए तक वापस आ रहे हैं आप सरप्लस रिवर्स करें। अगर आप HCA से नीचे आ रहे हैं तो आप इंपैक्ट लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस बनाएं, और अगर आप नीचे से वापस HCA तक आ रहे हैं तब भी आप इंपैक्ट लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने एक आइडिया रख दिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और वो क्वेश्चन बनाते हैं किसका, वही उसी एसेट का जो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है, लैंड, ताकि आपको आइडिया हो सके आप करके आ रहे हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ लैंड अज्यूम की हमने रुपीज 1 मिलियन, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख दिया, क्वेश्चन शॉर्ट बना रहा हूं, क्या फॉलो कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है जी, डेट फेयर मार्केट वैल्यू 1 जनवरी 2019, रिवैल्यूएशन आमतौर पे साल के स्टार्ट पे परफॉर्म की जाती है लेकिन साल के एंड पे भी हो सकती है, ठीक है जी। 1 जनवरी 2019 लैंड की मार्केट वैल्यू है फर्ज कर लें कितनी, 1,200,000। 1 जनवरी 2020 लैंड की मार्केट वैल्यू समझ लें कितनी है, 1,300,000। फर्स्ट जनवरी 2021 लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 1,050,000। फर्स्ट जनवरी 2022 लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 880,000, ठीक है जी। फर्स्ट जनवरी 2023 लैंड की मार्केट वैल्यू मजीद गिर गई और वो हो गई 7.5 लाख। उसके बाद फर्स्ट जनवरी 2024 लैंड की मार्केट वैल्यू, फर्स्ट जनवरी 2024 लैंड की मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई 9,50,000।
उसके बाद 1 जनवरी 2025 लैंड की मार्केट वैल्यू हो गई 11 लाख रुपए। फर्स्ट जनवरी 2026 लैंड की मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख रुपए। माइंड इट, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। अगर लैंड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट हमेशा उसकी कॉस्ट के बराबर रहेगा। तो क्या आप ये रिवर्शन परफॉर्म कर सकते हैं बेटा? जवाब दें, क्या आप ये तमाम रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हैं जो डेट्स दी गई हैं उन पर? रिस्पॉन्स प्लीज। क्या ये आप तमाम रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हैं जो डेट्स दी गई हैं उस पर? गुड, तो करके बताइएगा बेटा, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन के। ओके, यहां तक स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह इस पर कल फर्दर बात करेंगे। ये आप काम जरूर करेंगे और आपका कल वाला आंसर मैं बाद में वेरीफाई करूंगा, उसको वेरीफाई जरूर करूंगा, फिक्र ना करें, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा, हो सकता है 2 क्लासेस के बाद करूं। ठीक है, ओके बेटा, फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो आज की नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फर्दर बात होगी अगली क्लास के।